हेलो टू एवरीवन, सभी किसान भाइयों को किसान वर्मी कंपोस्ट छानी बड़ी की तरफ से राम राम। जैसे कि आपको पता है कि गांव छानी बड़ी के अंदर किसान वर्मी कंपोस्ट जो कि शुद्ध केचुआ खाद गोबर से तैयार इनके पास मिलती है, आज हम इनके ऑफिस के अंदर आए हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि इनका जो ऑफिस है वो छानी बड़ी के मेन बाज़ार के अंदर है, जिसके अंदर पुराने हनुमान मंदिर के पास इनका ऑफिस है। और हमारे पास यहाँ पे जो किसान वर्मी कंपोस्ट है उनके जो संस्थापक है श्री अपने पास मोनू कुमार जी उब्बा और साथ में राहुल दादरवाल और साथ में किसान साथी भी हमारे पास अशोक कुमार किरोड़ीवाल वो भी उपस्थित हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले कुछ एक महीनों से जो किसान वर्मी कंपोस्ट है वो किसान साथियों की सेवा के लिए अपना जो उत्पाद है किसान वर्मी कंपोस्ट, जिसकी हम आपको क्वालिटी आपने देखी होगी जो फार्म पे जिन लोगों ने विजिट किया है और बाकी आपको सोशल मीडिया के थ्रू डे बाय डे मिलती होगी। तो यहाँ पे मोनू कुमार जी हैं जिनसे भी हम जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारे जो किसान साथी हैं अशोक जी किरोड़ीवाल जो कि लगातार उपयोग कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से किसान वर्मी कंपोस्ट से खाद, तो इन लोगों ने अभी लेनी स्टार्ट करी है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले से ये जैविक खेती को अपना रहे हैं। और राहुल जी दादरवाल भी इधर बैठे हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले हम किसान साथी से ही पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है जो जैविक खेती कर रहे हैं वो लोग, तो पूछते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप जैसे जैविक खाद उपयोग में ले रहे हो तो कितना टाइम हो गया सर आपको अभी जैविक खाद को लेते हुए काम में? कम से कम तीन साल हो गए। तो इसका क्या रिजल्ट रहा है सर? बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। पैदावार के अंदर बढ़त आपको देखने को मिली है। तो इससे पहले आप क्या उपयोग में लेते थे? जैसे अभी आपने जैसे केंचुआ खाद डालना शुरू किया है, इससे पहले आप कौन सी खाद या कौन से केमिकल्स आप काम में लेते थे? पहले यूरिया। अच्छा, यूरिया वगैरह काम में लेते, तो उससे फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता होगा, खर्चा आपका काफ़ी बढ़ जाता होगा उससे। उसमें खर्चा जाता है। अच्छा ठीक है। तो इसके आपको रेट भी अच्छे मिलते होंगे, अभी आप जैसे जैविक खेती आप कर रहे हो तो जो गेहूं है या जो अन्य फसलें हैं उनके काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल रहे होंगे। बढ़िया फसल हो तो बढ़िया रेट मिलेगा। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे बाकी किसान साथियों को भी इसके बारे में? आप किसान साथियों से ये कहना है कि हमारी जो केंचुआ खाद है वो अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा काम और हमारे देश में जो बीमारी फैल रही है ना वो कम हो। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी जो किसान साथी हैं अपने अशोक जी किरोड़ीवाल उनसे आपने संपर्क किया और उन लोगों ने बहुत एक अच्छी बात कही कि हेल्थ इज वेल्थ, ये काफ़ी अच्छी बात है इनकी हमें लगी इस मैसेज के द्वारा। अभी हम राहुल जी से भी संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी आप जैसे हेलो। हाँ जी सर, थोड़ा आप केचुआ खाद के बारे में थोड़ा सा बताएं किसान साथियों को। किसान साथियों को जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, इससे फसलों में अच्छी पैदावार होती है और अच्छा इसका मूल्य मिलता है। और मेरा तो यही कहना है कि जैविक अपनाओ, खुद को और अपने परिवार को हानिकारक कीटनाशकों और उनसे बचाएं। ठीक, अभी हम जो हमारे मोनू कुमार जी उबा है उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी दो वार्तालाप करते हैं और थोड़ा सा उत्पाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जो उत्पाद है जैविक खाद केचुआ खाद वो जैसे किसान साथियों के लिए लेकर के आए हैं। तो मोनू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आप हमें थोड़ा सा केचुआ खाद के बारे में थोड़ा सा समझाएं किसान साथियों को कि वो किस तरीके से इसको शुरुआत के अंदर काम में लें, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी भी ऐसे हैं जो कि जुड़े नहीं हैं जैविक खेती से, तो आप उनके लिए शुरुआत में क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से वो इसको काम में लें और किस तरीके से जुड़े? देखिए, जो जैविक खेती किसान अपनाना चाहता है वो एकदम से शुरू नहीं होएगा, उसके लिए अपने को ज़रूरी है कि यूरिया और डीएपी का जो यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा को थोड़ा कम किया जाए और उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट या फिर जो दूसरे जैविक उत्पाद हैं उनका प्रयोग किया जाए। ठीक है। जिससे क्या है कि उत्पादन जो लागत है वो कम आएगी और उत्पादन बढ़ेगा,
इसके लिए हम कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें और यूरिया डीएपी जैसे फर्टिलाइजर है उनकी जो मात्रा है वो घटा दें, जिससे कॉस्ट कम आएगी। ठीक है सर, आपने जैसे किसान साथियों को जैसे आपने ये जानकारी दी है, और सर इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत सैंपल भी जैसे मिलेगा, अगर कोई किसान साथी थोड़ा शुरुआत के अंदर करना चाहे तो उसके लिए। जैसे कोई किसान है वो पहले जिससे मान लो कभी भी वर्मी कंपोस्ट यूज ही नहीं किया है और वो देखना चाहता है कि भाई हमारे पास ये वर्मी कंपोस्ट है वो किस प्रकार से काम करता है, यानी कि अगर हम एक दम अगर यूज कर ले खेत में तो उसका रिजल्ट कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इस ऑफिस के अंदर आकर के या हमसे कॉन्टेक्ट करके आप सैंपल ले जा सकते हो और आप खेत में या फिर जैसे गमला वगैरह में है कोई पौधों उनमें यूज करके देख सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2-4 दिन के अंदर ही आपको वर्मी कंपोस्ट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि आप जैसे इनके ऑफिस के अंदर विजिट करोगे, मैन बाज़ार छानीबड़ी के अंदर इनका ऑफिस है, और जिसको भी जैसे सैंपल वगैरह लेकर के जाना है तो सैंपल वगैरह लेकर के जा करके चेक कर सकता है और इसका रिजल्ट देख सकता है। धन्यवाद।